وحده لا شريك له. भी हमारे इस चैनल कारी याकूब फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. मौलाना वहादियाना हादियाना व मुर्शिदाना मुहम्मदन عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ما ألا ساء ما يحكمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے
मेरे और जनाब दे पीरो मुर्शद रहबरो रहनुमा इमाम आजम पैगम्बर आजम पूरी कायनात दे कायदे आजम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम वास्ते मेरे प्यारे 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 दोस्तों बुजुर्गो भाइयों मुअज्जजीने किराम और मेरी काबिल सद इहतराम माओ मुअज्जजात बहनों अजीज तलबाए किराम व मुअज्जजात तालिबात अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपनी रजा रहमत नाल अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर जो जो बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर बयान कीतियां जान इन्हां ते सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुशकिस्मत तो लोग ने कि जेड़े अल्लाह दे कुरान और प्यारे महबूब दी हदीस नाल अटैच ने जितना ज्यादा कुरान और हदीस दे करीब तर होएगा उतना ज्यादा ही अल्लाह दा महबूब होएगा। ए बात याद रखना बेटी की अजमत और वरासत अज दा खिताब बेटी की अजमत और वरासत। अल्लाह अकबर अल्लाह मालिकुल मुल्क ने ए दीने इस्लाम मेरा तुहाडा दीन बना के इंसानियत ते एहसान फरमाया ओ बेटी के जिन्नू डंगरां और जानवरां तरह औरत नू जिस तरह भैंस और गाय हुंदी है ऊंट हुंदे ने जानवर मंडियां च फरोख्त हुंदे ने ए मंडियां दा ते बाजार दा माल समझिया जांदा सी जिमें इस मुआशरे दे अंदर साढ़े दौर अंदर बाज लोग इनू बाजार दा माल बाजार दी जीनत समझदे ने ओ दीन नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं दीन तो दूर ने। अल्लाह ताला ने औरत नू बेटी नू ओ अजमत अता फरमाई कि दुनिया दा कोई मजहब इस अजमत नू भांप नहीं सकिया इस अजमत नू अपनाना बड़ी दी दूर दी गल महसूस भी नहीं कर सकिया जेड़ी इस्लाम ने अजमत दिती है। सुभान अल्लाह जी अर्श वाले ने बेटी दी अजमत दे बारे दे अंदर ओ जेड़े बेटी दी पैदाइश ते सीख पा हो जांदे सन उन्हां दी बुराई नू इस तरह बयान फरमाया अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 58 58 नंबर आयत अंदर अल्लाह करीम ने बड़े ही आसन अंदाज नाल उन लोगों की बुराई नू बयान किया और समझाया मैनू तुहानू मसला कि बेटी हुंदी कही है। अल्लाह अकबर अल्लाह ने फरमाया वाइज़ा बुशरा अहदुहुम बिल उन्ता फरमाया जिस वक्त उन लोगों नू यानी पहले इस्लाम तो कबल मुआशरे दी अक्कासी अल्लाह सोना फरमा रहा है अल्लाह फरमा रहे ने कि जदों उन्हां चो किसे इक नू खुशखबरी दिती जांदी बशारत दिती जांदी बेटी दी बस सुन दी आई वल्ला वजुहु मुसवद्दा उदे चेहरे ते सियाइयां फिर जांदियां सियाइयां फिर जांदियां यानी चेहरा काला होना शुरू हो जांदा यानी सड़ भुन जांदा वहुआ कदी दिल दिल अंदर कुड़दा दिल
दिल दिल अंदर तंग हुंदा घुटन महसूस करदा और जनाब गोया के ओ गुस्से च आ जांदा गुस्से नाल मैनू ये बुरी बशारत क्यों दिती गई है। ओदे अंदर नू अल्लाह ने भाप करके मालिकुल मुल्क ने ऐलान फरमाया है यतवारा मिनल कौम मिन बुशिरा भी कौम तो लोगा तो छुपदा फिरदा के मैनू ए बुरी खबर क्यों दिती गई यानी बेटी मेरे घर अंदर क्यों आ गई लोगा तो लुकदा फिरदा आया आयु आयुम सिकुहु अलाहुनिन अम यदुस्सुहु फितुरा दिल दिल अंदर कहंदा हुण यादे बेइज्जती नाल बेइज्जती नाल इनू रोके रखा यानी बड़ी ही इंसल्ट नाल बड़ी बेइज्जती नाल यानी अपनी बेइज्जती करवा के इंसल्ट करवा के बच्ची नू यानी रोक रखा अम या दुस्सुहु फितुराब या फिर मट्टी अंदर दफन कर दिया थनसा दिया अल्लाह मट्टी अंदर जिंदा नू दफन कर दिया है जी दो बातां जो एक बात है हुण की होएगा। और अर्श वाले ने इना दी बुराई बयान करने तो बाद फरमाया फरमाया अफसोस आह जिवें असीं आखने आह हा भरने ना हां जी अफसोस क्या ही बुरे फैसले करते हैं ये लोग कितने बुरे फैसले करते हैं। एक फैसला है उन्होंने अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह प्यारे भाइयों तवज्जो फरमा दिया चला जाना मैं आज दे खिताब अंदर सही हदीस जामे तिर्मिज़ी दी सही सनद नाल मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर दे सहाबी हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला तो रवायत 1916 नंबर हदीस दा याद रख दिया जाना मेरे प्यारे महबूब मुहम्मद दिल ठर जाए कले जे ठंड पै जाए ना दरूदा दी छल पै जाए इधर वेखना अगर तू दरूद दी छल पाएगा अर्श वाला आसमाना तो रहमतां दियां छलां पा देगा दुनिया वाले वैसे ही इल्जाम लगांदे ने इल्जाम क्यों लगांदे ने उन्हां दी मर्जी दा बनाया कोया दरूद असी नहीं पढ़दे क्यों जी ते अगला जुमा फजाइले दरूद ना हो जाए कर साहब जुमा पढ़ाया अल्लाह दे फजल नाल मैं दसिया सी कोई एक जुमला कुरान चो या हदीस चो बोल देवे अगले जुमे इंशाअल्लाह दिन रात करके मेहनत करके असी खिताब करते अल्लाह दी ए रूटीन इत्थे चलाई अखे जी बंदे कहंदे ने हां जी पुछण दी केड़ी लोड़ है लै और दसो पुछण दी केड़ी लोड़ है इहदे च तुहाडी अहमियत है इहदे च तुहाडा वकार है तुहाडी थाल्टी है क्यों जी तुहाडी कोई गल बात है इत्थे आण दी एवें ते नहीं कोई तुहाडी वैल्यू कोई नहीं ना 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 इह नहीं हो सकदा बड़ी तुहाडी वैल्यू है जनाब दी तशरीफ लैण दी इस वास्ते पुछ लईदा वरना सानू किहड़ा मजबूर नहीं आंदे सानू किहड़ा ना नहीं आंदे अल्लाह दी मेहरबानी नाल इंशाअल्लाह चलो तय कर लिया करांगे अगर कोई कहेगा वह भी असीं शेड्यूल अंदर तय करके इंतजामिया नाल डिस्कस करके इंशाअल्लाह जां मैं अपनी मर्जी नाल इंतजामिया ने मैनूं फ्री हैंड दित्ता है कारी साहब जो तुहाडा दिल करदा है मजमून बेहतर तो बेहतर मौका माल दी मुनासबत नाल तुसीं भी बयान कर सकदे हो सिर्फ आवाम दे पाबंद नहीं दोस्तां दे सामईन दे ही पाबंद नहीं बाकी सामईन दी उहनां दी मशावरत दा
उन्हां दी बात दा उन्हां दी राय दा एहतराम वो मेरे दिल अंदर बहुत ज्यादा इंशाल्लाह वो करदे रहांगे अल्लाह दे फजल नाल इंशाल्लाह। इत्थे लोग आंदे ने इलम सिखण वास्ते, हाऊ दीआं बातां सजे खब्बे दीआं सुनण वास्ते नहीं आंदे, अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल। इधर वेखिया जे मैं अर्ज़ कर रहा के तिर्मिज़ी शरीफ दी हदीस है सही सनद नाल, हजरत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रावी ने हां जी उन्हां तों रवायत ते कहंदे ने प्यारे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत फरमा देने के जेदे कोल तीन बेटियां या तीन बहना, तीन बहना या तीन तीन बहना या तीन बेटियां, फरमाया या फिर दो बेटियां या दो बहना होवन, उना नाल अच्छा सलूक करे, बेहतर सलूक करे, उना दे हकूक दे मामले दे अंदर अल्लाह कोलो डरे, फैले गुल जन्ना ओदे वास्ते की है। खिताब अंदर मौजूद होणगीआं इंशाअल्लाह, और इस तो बाद मुस्लिम शरीफ की एक हदीस होगी, इब्ने माजा की होगी, तिर्मिज़ी शरीफ की मैं सुना दिती है, और सारिया सनद हिंदुस्तान चो इत्थे पाकिस्तान दे अंदर आए असी मुहाजर हां, इस वास्ते यानी हिजरत करके आने वाले हजरत उमर मुहाजिर ने, और इधरों इन्हां दा पड़ोसी मदीने च रहण वाला अंसारी हजरत उमर कहंदे ने मेरा अंसारी पड़ोसी है, मेरा हमसाया मदीने दे एक बुलंद गांव अंदर, ऊंचे गांव अंदर, यानी बनी उमैया बिन ज़ैद दे महल्ले दे अंदर, उस गांव दे अंदर, कस्बे दे अंदर, छोटे जे ओदे अंदर रहंदे सां। हजरत उमर फरमांदे सन असी वारियां मुकर्रर कीतियां होईयां, एक दिन अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर मैं गुजारांगा, एक दिन मेरा पड़ोसी जाएगा। प्यारे नबी दी खिदमत अंदर दीन सिखण वास्ते, वाह सुभान अल्लाह। कहंदे ने जदों मैं जाना ते सारा दिन जो सुनिया जो वेखिया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम जो मेरे नबी ने बयान फरमाया, मैं आके रात नूं अपनी अपने पड़ोसी नूं सब कुछ बतला देना, मैं उन्हें सिखा देंदा, और जनाब मेरा पड़ोसी जिस दिन जांदा ते मैनू रात नूं आके सारा कुछ सुना देंदा। एक दिन मेरा पड़ोसी ओ दीवारी अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अंदर सारा दिन रहा, रात नूं जदों घर आया ते आंदिया सीधा मेरे दरवाजे ते जोर जोर नाल दरवाजे ते दस्तक दित्ती, जोर जोर नाल दरवाजा खटखटाया, पूछण वाले ने पूछया मन दा कलबाब, कहंदे ने इत्थे उमर है, क्या उमर है ने इत्थे। हजरत उमर आवाज सुन के जल्दी नाल, पहले दरवाजे की आवाज तो सुन ही चुके सन, एदी आवाज सुन के जल्दी नाल आवाज ते पहचानते सन ना, रोज दा काम सी ना, लेकिन अगे दरवाजा इन्ना कदी जोर नाल नहीं भन्या ने, हां जी जल्दी नाल हजरत उमर बाहर निकले। कहंदे ने क्यों की हो गया, की गल है, अल्लाहु अकबर, ये पड़ोसी कहन लग्या उमर बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है, बहुत बड़ा मामला हो गया है। कहंदे ने गल ते कहंदे ने अल्लाह दे प्यारे नबी ने अपनिया बीवियां नूं तलाक दे छड़ी है, उन्होंने महसूस होया कोई गल हो गई होनी, गल तो महसूस करके सहाबी ने कहा तलाक दे। अल्लाह अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला रात नूं जाना चाहते ने,
लेकिन अपनी बेटी नू बेटी दे घर अंदर नबी दी बीवी सी ना हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन मोमिना दी मां जाना चाहते ने लेकिन रात दी वजह करके अल्लाह दे नबी फरमाया रात नू बगैर किसी एमरजेंसी दे कोई बंदा किसी दे घर ना जावे। अल्लाह दे नबी दी हदीस याद आ गई रात बड़ी मुश्किल नाल गुजारी सवेर होई नमाज तो बाद दौड़े दौड़े अपनी बेटी हफ्सा दे कोल गए कहंदे ने हफ्सा क्या अल्लाह दे नबी ने बीबिया नू तलाक दे छड़ी है। हजरत हफ्सा अर्ज कर दिया ने बाबा इस बात दा मैनू कोई इलम नहीं मैनु इस बात का कोई पता था पता नहीं। हजरत उमर दौड़े दौड़े अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर कहंदे ने या रसूल अल्लाह क्या तुसी अपनियां बीवियां नू तलाक दे छड़िए। अल्लाह दे नबी ने फरमाया नहीं 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 आपने फरमाया नहीं। हजरत उमर फिर ताज्जुब नाल कहंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह जी जी हजरत उमर कहंदे ने अल्लाह अल्लाह अकबर यानी जनाब इधर वेखला जरा बेटी दा कितना फिकर है बेटी दा कितना फिकर है। अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु बेटी नु तंबीह वास्ते तुसी कह सकदे हो जदो बेटी अपने घर जांदी है ओनु निकाह के अपने घर जाण वास्ते रुखसत करना है उस दिन कह सकना है ओनु तंबीह वास्ते ते कह सकदे हो बेटी हुण ओ तेरा घर ओ खोई है लड़ करके लड़ाई करके नाराज हो के साडे कोल ना आवी अगर आएगी ते साडे कोल कोई जगह नहीं राजी खुशियां में ते सदा तंबी वास्ते कह सकते हो अगर कोई मामला हो गया है पहले तहकीक करो डंडी ना मारो बेटी बने झोल ना मारो ना इंसाफ की बात करो अगर दामाद की गलती है तो उन्हें समझाओ मगरा करो पूरा पहरा दो ऐ जे बेटी दी अजमत कितना फिक्र है हजरत उमर नू रात औखी गुजारी है इत्थे 6-6 7-7 महीने जिवें मर्जी रुलदियां रहन बेचारियां हां जी पुछण वाला कोई नहीं हुंदा बस कहंदे ने निकाह दित्ता ते गल खत्म रिश्ता खत्म और रिश्ता अल्लाह दे बंदे ओ रिश्ता तू तोड़ लिया है लेकिन तेरी बेटी ने तेरे मरण तो बाद भी रिश्ता नहीं तोड़िया उथे पुत्र नहीं काम आएंगे तेन धी काम आएगी तेरे मरण तो बाद भी बड़िया मिसाल बड़िया बात लोगों ने वेखिया मुआशरे अंदर मौजूद ने लेकिन मैं उन दुनिया दी मिसालां वाले पासे फिर जावा कि मेरे को कुरान और हदीस दे दलायल मौजूद ना होण उधर जाने की क्या जरूरत है। इधर वेखो दलायल मौजूद ने उन लोगों के जनाब जिन्हों अल्लाह करीम ने जन्नत दे टिकट अदा फरमा छड़े ने अल गरज मेरे प्यारे वीर हाँ जी मामले की तह तक पहुँच रिसर्च कर मामले दी रिसर्च करन तो बाद अगर बेटी दी कुताई है बेटी दी ओदा कसूर है ओदी गलती है ते बेटी नू समझा पुत्र इंज घर नहीं चलते क्यों जी अगर दामाद की तरफों ससुराल की तरफों की ज्यादती है उन्होंने समझाओ बिठा के नहीं समझते महला कट्ठा कर लो दोबारा उस जनाब शिकायत का मौका नहीं देगी जे इस्लाम वेखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नू बेटी की इतनी फिक्र जी 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 और अगली हदीस आ गई बुखारी शरीफ की 2753 नंबर हदीस जनाब हजरत अबू हुरैरा फिर कह दो रजी अल्लाह ताला फरमांदे ने जदो ऐत नाज़िल हुई وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ڈراؤ اللہ دے نبی نو حکم ہو رہا ہے پیارے محبوب ڈراؤ جہنم دی اگ کولوں کِنّاں نو अपने करीबी रिश्तेदारां अपने करीबियां नू जिहड़े नेड़े नेड़े लगदे ने पहले हुक्म ये आया وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ करीबियां नू डराओ जहन्नम दी अग कोलों
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरैशी सन, मेरे नबी ने सब तो पहले सेहत सुनने के बाद आपने फरमाया मैशर कुरैश, ऐ कुरैश दे गुरु, ऐ कुरैशियो, मेरे नबी फरमाए इश्तरू अनफुसकुम, खरीद लो, तर्जमा लफ्जी तर्जमा इश्तरू, खरीद लवो, खरीदो फरोख्त करना है, हैं जी इश्तरू जानी अपनिया जाना दे बदले, ओहो हो, और एक ही मतलब जन्नत नू, दूसरा तर्जमा अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचाओ, ये माना मफहूम ये है, अल्लाह दे नबी दा मकसूद ए सी, आप फरमाते ने बचाओ इश्तरू अनफुसकुम, बचाओ अपनिया जाना नू जहन्नम दी अग तो, ला उगनी अनकुम मिन अल्लाह शैआ, मैं अल्लाह दे कोल तुहानू बचा नहीं सकांगा, मैं जर्रा बराबर भी तुहाडे काम नहीं आ सकांगा। अल्लाह अकबर, नबी पाक ने हैं जी कुरैशियां नू मुखातब करके फरमाया, अगे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दे मुनाफ नू, ओ भी करीबी सुनना, उन्होंने फरमाया या बनी अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रिश्तेदार, आपने फरमाया ला उग्नी अनकुम मिन अल्लाहि शैया, ए अब्दे मुनाफ, मैं अल्लाह दे दरबार अंदर तुहाडे जर्रा बराबर सही कहंदे ने मामूली चीज नू जर्रा बराबर काम नहीं आवांगा, अपने आप नू जहन्नम दी अग तो बचा लो, मेरे नबी फरमांदे ने या सफियाता, ऐ मेरी फूफी सफिया, सफिया मेरी फूफी सफिया, जी 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 मेरी फूफी, अपने आप नू जन्म दी अग तो बचा ले, ला उगनी अनकी मिन अल्लाह शैया, मेरी फूफी कयामत वाले दिन मैं जर्रा बराबर भी तेरे काम नहीं आ सकांगा, तेनू फायदा नहीं पहुंचा सकांगा। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी अपनी फूफी सुफिया नू मुखातब करके फरमा रहे ने, नाल फरमा देने मेरे या फातिमा तू बिन्त मुहम्मद, ये मेरी बेटी फातिमा, मुहम्मद दी बेटी फातिमा, या फातिमा तू बिन्त मुहम्मद सलीनी माशिती, आ फरमाते ने मुहम्मद दी बेटी फातिमा, मंग ले दुनिया च जो कुछ मेरे कोलो मंगना है, माल दा सवाल कर ले, मेरे कोलो कपड़िया दा सवाल कर, को रोटी पानी खान पीन दी चीज मंग ले, इस्तेमाल दी चीज मंग ले, ला उगनी अंक मिन अल्लाह शैया, मेरी थी फातिमा अल्लाह दे दरबार अंदर मैं तेरे काम नहीं आ सकांगा। अल्लाहु अकबर, सलीमी सलीमी माजीती, मंग ले बेटी कर सवाल, जड़ी चीज दा करना है जो दुनिया च मैनू दिता है ओदे सवाल कर ले, मैं तेनू दे सकना, क़यामत वाले दिन जर्रा बराबर शही कहते हैं माड़ी जी चीज नू, मामूली जी चीज नू, अल्लाह अकबर के हदीस सुनोगे शहर के बारे अंदर दा तर्जमा, जी 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 मैं बेटी काम नहीं आवांगा, अपने आप नू बचा ले जहन्नम दी अग तो,
अल्लाह दे नबी अमल दी तरगीब दिला रहे ने ऐजे बेटी ऐजे बेटियां दा ख्याल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दी तरगीब दी है। बुखारी शरीफ दी 3110 नंबर हदीस आ गई जे जनाब हजरत मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला मिसवर मिसवर बिन मखरमा रजी अल्लाह ताला रवायत फरमा देने कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कह दो मेरे अली का नाम है रजी अल्लाह ताला सैयदना अली रजी अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा दे सामने ही प्रोग्राम बनाया सामने इरादे का इजहार फरमाया कहंदे ने फातिमा मैं अबू जाल दी बेटी तफसीरा वाले लिखिया मुहद्दिसी ने जमीला नामी अबू जाल दी बेटी मैं उदे नाल शादी दा प्रोग्राम बनाया है निकाह दा प्रोग्राम बनाया है सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नाल जेड़ी बात हुई है अल्लाह अकबर उदे नाल चपकलच हो गई नाराजगी हो गई है ना मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल सुनने दे बाद मिंबर ते चढ़ गए अल्लाह दे प्यारे नबी ने खुतबा इरशाद फरमाया प्यारे नबी ने खुतबा देता है अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने सुन लो इन फातिमत मिन्नी आप फरमाते ने फातिमा मेरी है मेरी फातिमा मेरे विचों ए दूसरी हदीसा दंदा है इस हदीस नहीं के फातिमा तू बदा तू मिन्नी फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है मेरे जिस्म दा हिस्सा है क्यों जो इत्थे जनाब इन्ना आ गया ते फातिमा तू दी जगह ते फातिमा ता दे उते जबर आ गई है लोग कहणगे कदी फातिमा कहंदे ने फातिमा तू कदी फातिमा ता ए पिछे इराब लफ्जा दे ना बदलते रहते ने आखिरी आखिरी हरफ दे लफज दे आखिरी हरफ दे राब इन फातिमा मिन्नी अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे विचों ए हैं जी जनाब किधरे दीन दे मामले दे अंदर ओ जनाब फितने अंदर ना पै जाए यानी दुश्मन दी काफर दी बेटी मेरी धी दे घर अंदर आएगी मेरी बेटी दी सौकन बनेगी अली दे निकाह अंदर आएगी किधरे मेरी बेटी दा दीन दा मामला अजमैश अंदर ना पै जाए दीन दे मामले अंदर मेरी बेटी जाए अल्लाह अल्लाह अकबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा फातिमा मेरे जो मेरी फातिमा है ना उदे दीन दा मेनू ख्याल है वरना मैं जनाब एदे बाद अल्लाह दे प्यारे नबी ने अपने दामाद अबलास बिन रबी दा तज़करा फरमाया उदी तारीफ फरमाई आप फरमाते ने अबलास बिन रबी इतना मेरा प्यारा दामाद ज़ैनब दे घर वाले सैयदा ज़ैनब मेरे नबी दी बेटी दे घर वाले इतना प्यारा दामाद इतना अच्छा इंसान है कि जनाब ओदी तारीफ कर दिया हुए प्यारे नबी फरमा देने जेड़ी बात आज तक मेरे नाल अबलास ने कीती है सच्ची बात कीती है उन्हें जेड़ा मेरे नाल वादा कीता उन्हें पूरा कीता है कदी नहीं परेशान कीता अबलास ने मेनू कदी नहीं सताया नाल फरमांदे ने मेरे नबी मैं हलाल नू हराम नहीं कर सकदा हराम नू हलाल नहीं कर सकदा ए हराम ते हिल्लत ते हुरमत दे तज़करे ए मामले मेरे अल्लाह ने अपने कंट्रोल अंदर रखे ने
رب نے فرمایا میں حلال چیز نو حرام نہیں کر سکتا، نکاح حلال نے، میں اے نہیں کہہ سکتا نکاح ثانی یا نکاح سالس یا نکاح رب اے کرنا حرام ہے، میں اے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ نے حلال کیتے نے، لیکن گل سن لو، لیکن واللہ اللہ دے نبی نو کتنا اندر درد ہے، کتنا پیارے نبی بیٹی دا دکھ محسوس کر رہے نے، اللہ دے نبی قسم نال با جھک دے نے، آپ فرما دے نے قسم تو ہی گل شروع کیتی، ولیکن واللہ، لیکن اللہ دی قسم، لا تجتمعوا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ ابدا، اللہ دی قسم محمد دی بیٹی اور اللہ دے دشمن دی بیٹی کٹھیاں نہیں ہو سکن گیاں۔ دوسری بخاری دی حدیث اندر اللہ دے نبی فرمایا سی، ہاں اگر علی بازے دے، میں علی نو روکتا نہیں، علی بازے دے نا رشتہ کرن تے تے میری بیٹی نو طلاق دے دے، بخاری دی حدیث، اللہ اکبر، اللہ دے نبی نے دل تے پتھر رکھ کے کس طریقے نالے بات کیتی ہوئے گی، حضور دیاں آنکھاں ڈل پیاں ہون گیاں، ضرور میرے نبی غم زدہ، آپ معمولی جی بات تو رو پیندے تے اے بیٹی دا اتنا صدمہ ہے بیٹی دے بارے دے اندر، اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا سی جن نے فاطمہ نو ستایا انہیں مینوں ستایا، گل حضرت علی دے بارے تے حضرت علی دا صرف منن دا نہ ہی رہندے من دے نہیں، انہاں نے ایک گل ساری چوک کے حضرت ابو بکر صدیق دے اتے تھوپ دی، حضرت ابو بکر صدیق دا معاملہ ہی نہیں سی کہ آپ اے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے چ کہن، نہیں نہیں گل بالکل پیٹنٹ ہے، اللہ اکبر، جی 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 جی، بخاری شریف دی حدیث جناب، اسے 5112 نمبر حدیث آ گئی، جناب ویکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، منع فرمایا بٹے سٹے تو، کیوں جی شگار ہے، بٹا سٹا جان دے ہو نا، اے جی بیٹی دے 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 تو لے لے، اے کوئی کسے جانور دا سودا تے نہیں نا ہو رہا کہ لے لے دیکھ دے دے، نا نا، اے بیٹی اے شگار ہے نا، جڑا بٹا سٹا منع جے منع، اللہ دے نبی نے منع فرمایا، ہاں ہاں، اے بیٹی اے عورت اے انسان دی جنس وچوئے، ٹھیک ہے، تے بیٹی دی عظمت ہے، بیٹی دا پروٹوکول ہے، ہاں ہاں، او دا حق مار ہوئے گا، یعنی لیلو تے دے دے ہو، نا نا، او دا حق مار ہوئے گا، حق مہر رشتہ لین والے دی حیثیت دے مطابق ہونا چاہید ہے، دیکھو نا 10 لاکھ 20 لاکھ 2 لاکھ 4-5 لاکھ خرچ کر دینا، حق مہر دی واری آوے تے کہ جی شریع حق مہر ثواب 30 روپے لکھ دے، استغفراللہ، ساڈے ویلی جڑے شریع کہہ دے نے جنہ مرضی ہوے وی 1000-5000 لکھ دیو جی، اج کل 5-10 ہزار دی کی ویلی ہو، 150 روپیہ ہوے نا، 150 روپیہ اگے ہوندا سی، اج تو تھوڑے سال پہلے جدوں 10 روپیے ڈیزل سی اس ویلے تیل 10 روپے لیٹر ہوندا سی، او دو ہاں جی 1000 روپے 1000 چ، ہن 2000 ہون تے او 150 روپیہ بندا سارا، ہاں جی 60-70 روپیہ تو زیادہ، 70-75 روپے تو زیادہ 1000 وچوں پیسے نہیں نکل دے، ہن کہن جی 5000 1000 بن لو جی 2000 بن لو، نہیں، حیثیت دے مطابق حق مہر ادا کرو، اے دے چ بیٹی دی عظمت اے، بیٹی دی حیثیت اے، اونوں پتہ لگے کہ میں اجڑے پجڑیاں کولے ہے جی شوما کولے نہیں جاندی پئی، حق مہر دیتا ہے تے پہلے ہی انہاں نے رجا دیتا ہے جی، اونوں پتہ لگے کہ میں کسے گھر دی مالک بن کے جا رہی ہوں، ہاں پتہ، حق مہر کھل کے دیا کرو، جڑا بندہ 10 لاکھ روپیہ اپنے دوسرے لوازمات تے خرچ کر سکتا ہے، وہ خبردار جے انہیں 1-2 لاکھ روپیہ تو کاٹا حق مہر دیتا اپنی بیٹی نو، یہ مذاق بنایا اس ویلے حق مہر بن لو جی 500 بن لو 1000-2000 ٹھیک ہے جی، یہ شریعت دا مسئلہ میں دس رہا، زیادہ حق مہر دیو، 1 لاکھ دیو 2 لاکھ دیو 4 لاکھ حق مہر دیو بچیاں نو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ہاں ہاں، اے جناب تیاں پرایا تان ضرور ہے مگر انہاں دی بے حرمتی تے بے توقیری بھی تے جائز نہیں،
समझ आई ना बात। इस वास्ते बेटी दी अजमत और वरासत दा मसला समझदे चला जाना जी मेरे प्यारे भाई। आओ जनाब बुखारी शरीफ दी को होर हदीस आ गई 6280 नंबर हदीस दा। मेरे तेरे प्यारे पैगंबर हजरत अली मेरे नबी दे सहाबी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला सहाबी कहते ने हजरत अली नू अबू तुराब दे अलावा कोई नाम महबूब नहीं सी। कोई नाम हजरत अली नू प्यारा नहीं लगता सी अबू तुराब तो अलावा, क्यों जो मेरे नबी ने प्यार नाल आख्या सी कुम या अबा तुराब, उठ उठ अबा तुराब, मट्टी वाले उठ मट्टी चार दे। इस हदीस अंदर उसे हदीस दा उसे बात दा ही तज़किरा है जी जी। हजरत अली नू अंजी अबू तुराब दे नाम नाल पुकारे आ जांदा कान लयफरहु बी, बड़े खुश हो जांदे हजरत अली खुश हो जांदे जदो अबू तुराब क्या जांदा ना। अली कहन नाल इन्ने खुश नहीं होंदे सन जिन्ना अबू तुराब कहन नाल खुश होंदे सन। हजरत अली नू बड़ा प्यारा नाम लगदा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मेरे नबी दे होंठां चो निकलिया होया सी ना हजरत दी ज़बान अक्दस विचों निकलिया होया हां जी ये जुमला सी बड़ा ही पसंद आया बड़ा प्यारा लगदा सी। हजरत अली फुल्ले समांदे नहीं सन जदों कहा जांदा ना अबा तुराब या अबा तुराब ऐ अबू तुराब गल सुन क्यों जी मुखातब किया जाता बड़े ही खुश हो जाते इस नाम सुन के जी 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 जी। इधर वेखना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। हजूर अपनी बेटी नू मिलने वास्ते गए ते हजरत अली घर अंदर मौजूद नहीं ने। मेरे नबी फरमाते ने ऐ नबनु अम्मी की, बेटी तेरा चचा जाद तेरा चचा जाद तेरा कजन किथे, आपने अली दा नाम नहीं लिया क्यों जी, तेरे चचे दा बेटा किथे। अर्ज कर दिया ने प्यारे महबूब अब्बा जी अली ते मेरी कोई गल हो गई, हो जांदी घर अंदर। हजरत अली गुस्से अंदर आ गए ते गुस्से दी हालत अंदर निकल गए। दिन नू मेरे घर अंदर कैलूला फरमाया कर दे सन, अज ते उन्हां ने कैलूला भी मेरे कोल नहीं कीता। दिन नू जिहड़ा घंटा अद्धा घंटा कैलूला हुंदा है ठीक है ना दोपहर दे टाइम, हां जी ओ कैलूला भी नहीं फरमाया। मेरे नबी फरमाया चल देख लांगे, नहीं नहीं ये नहीं फरमाया। आज कल हुंदा चल चल पता नहीं कितने दफा हुंदा होएगा गया होएगा फला होएगा, यानी ये साडा माहौल है साडी हसीयत है कि असी बेटियां दा ख्याल किन्ना करने आ। लेकिन मेरे नबी ने इतना वेख्या ना कि अली नाराज हो के कैलूला घर च नहीं कीता नहीं फरमाया। उन्होंने आप फरमा देने अली नू तलाश करो लबो अली नू पता कीता ते हजरत अली मस्जिद विच सुते होए। प्यारे नबी तशरीफ ले गए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हजरत अली दा कपड़ा इवें जनाब चादर दा इक पल्लू मट्टी दे नाल इवें मट्टी नाल भर गया है मट्टी लगी हुई है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले ते मट्टी झाड़दे पै ने प्यार नाल कह रहे ने कुम कुम अबत अबा तुराब कुम अबा तुराब उठ मट्टी वाले उठ खड़ा हो जा मट्टी वाले अबा तुराब सुभान अल्लाह कुम अबा तुराब। मेरे नबी नाले मट्टी झाड़ दे रहे नाले जुमले फरमा दे रहे थे हजरत अली नू एडे पसंद है। मेरे नबी प्यार नाल कह रहे सन ना मोहब्बत नाल कह रहे सन ऐ वेखो सोनिया इंज बेटी दा घर आबाद रखण वास्ते अपने दामाद नाल इंज इस तरीके नाल मोहब्बत कर जिवें मेरे नबी ने मोहब्बत फरमाई है। और इसे तरीके नाल आओ जनाब मुस्लिम शरीफ दी हदीस आ गई 1212 नंबर। इदे अंदर जनाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी दी औलाद नाल किवें मोहब्बत फरमाई, बेटी दी औलाद नाल अपनी नवासी नाल नवासियां नाल मेरे नबी दी मोहब्बत दियां दास्तानां सुनदे रहंदे हो ना। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सैयदा जैनब दी बेटी उमामा सैयदा जैनब दी बेटी उमामा नू मेरे नबी उठा के ना चुक के नमाज अदा फरमाया करदे सन। आहा सुभान अल्लाह हां जी बेटी बेटी दी औलाद नाल
बेटी दी बेटी नाल समझ आई ना मोहब्बत करेगा ते उस बेटी दे है जी शोहर नू तेरे दामाद नू बात बड़ी चंगी लगी है जी ओ ज्यादा घर का ख्याल करेगा क्यों जी घर इंज वसदे ने बेटी दे बेटियां दे घर आबाद रखने वास्ते उन्हां दी औलाद नाल भी मोहब्बत करिया कर सोणिया इधर वेख जरा गौर कर है जी जनाब इसे तरीके नाल इक हदीस होर आ गई सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस एक जनाब होर सुणांदा चला जावां 2142 नंबर हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला हजरत अब्दुल्ला भी सहाबी हजरत उमर भी सहाबी ते खताब भी सहाबी है जी दादा भी पुत्र भी पोता भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला आप उमर भी और अब्दुल्ला दा दादा खिताब भी उस तिन्ने सहाबी एक घर दे अंदर तीन तीन चार चार सहाबी सुभान अल्लाह लड़ियां तीन लड़ियां ए सहाबी सन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला बयान फरमा दे ने जदो जनाब है जी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जनाब हजरत उमर यानी मेरे अब्बा जी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बीमार हुए बीमारी वाली हालत वेख के हजरत उमर दी बेटी बेटी हफ्सा रोइया रो पईया रोइया ते फरमान लगी हजरत उमर बेटी क्या तू ये नहीं सुनिया अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी आप फरमा देने हजरत उमर कहंदे बेटी रोना बंद कर दे रुक जा अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी बेटी तेनू मालूम नहीं है आप फरमा रहे सन इन्नल मैता युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिहि अलैहि फरमाया मैयत ओना दे घर वालियां ते रोण दी वजह करके आहो बुका दी वजह करके वैन करने दी वजह करके है जी ओनू मैयत नू अजाब दिता जांदा है क्या नहीं सुनिया ते बेटी हफ्सा देखो बेटी दी आखरत दी क्या बेटी तेरी आखरत ना किधरे खराब हो जाए क्या तेनु मालूम नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ी जेड़े लोग रोंदे ने मैयत दे उते उना दे रोने दी वजह करके अगर वो मैयत में एक जुमे च वजाहत कीती सी कि अगर मैयत दे चांदी होवे कि मेरे ते रोया पिटिया जावे हैं रोया पिटिया जावे ते फिर ते रोण नाल अजाब हुंदा है ते जे को होर बंदा रोन लग जावे मैयत ना चांदी होवे फिर मैयत नू नहीं फिर रोन आले नू अजाब बैन करन आले नू अजाब होएगा समझ आ गई ना बात ये हदीस दी वजाहत इंज बढ़ेगी अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत फरमाते हैं युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम सुभान अल्लाह बात इत्थे अल्लाह वसीयतां करदा पिया है हाँ जी बेटियां दी विरासत दे बारे दे अंदर कुरान मजीद अंदर चौथा सपारा खत्म होने वाला और ए दे अंदर जनाब हाँ जी चौथे सपारे दे अंदर ये बात मौजूद है सूरत निसा दी आयत नंबर 11 जाके मुतालिया करना लंबी आयत है मैं सिर्फ मजमून दी बात करा हाँ जी अल्लाह करीम ने वसीयत फरमाई है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम للذكري مثل حظ الأنثيين فرمایا बेटी नालों बेटे नूं विरासत दुगना मिलेगी यानी चार हिस्से अगर एक बेटी है
ते एक बेटा है, तीन हिस्से होंगे, दो हिस्से बेटे नूं मिल जाएंगे, एक हिस्सा बेटी नूं मिल जाएगा जी। बेटी की विरासत इधरों भी है, बेटी की विरासत खामद की तरफों भी है, बेटी की विरासत जनाब अपने वालदैन की तरफों भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, हर पासों विरासत बेटी नूं, बेटी की विरासत का अल्लाह करीम ने हक रखा है। और नाले फरमाया है कि अगर लड़कियां दो नालो ज्यादा होन, दो नालो ज्यादा लड़कियां होन ना, ते कलियां लड़कियां ही होन, लड़का ना हो, गल समझा जी, लड़कियां ही होन, घर दे अंदर लड़का ना होवे, दो नालों ज्यादा होन ते फिर दो तिहाई विरासत मिलेगी। बेटियां च तकसीम होगी दो तिहाई, दो तिहाई का की मतलब के पूरी विरासत दे तीन हिस्से कर लो, पूरी विरासत दे, या इंज समझो कि जनाब के दो तिहाई का मतलब यह है कि विरासत दे, मिसाल 12 लाख रुपया, मैं मिसाल समझना, 12 लाख वो विरासत दे प्रॉपर्टी है, वो मालियत छड़ी है, दुनिया तो जान वाला अपनी विरासत छड़ के गया 12 लाख रुपया, ते 12 लाख चो है जी बेटियां ने ना, बेटियां ही बेटियां, उन्होंने 8 लाख, दो ने है जी, दो नालों ज्यादा, तीन ने, चार ने, पांच ने, 8 लाख रुपया बेटियां तकसीम हो जाएगा, बाकी 4 लाख दूसरे वारस, दूसरे जेड़े वरासा ने उन्हें तकसीम हो जाएगा। समझ आई ना, एक है मतलब ये जनाब विरासत, बेटी की विरासत के बारे च। और नाल ही फरमाया अगर बेटी एक होवे पूरी पूरी जायदाद दी, पूरी प्रॉपर्टी, जिहड़ा प्रॉपर्टी जिहड़ा फौत होण वाला अपनी विरासत छड़ के जांदा है, सारी विरासत छड़ के जावे ते बेटी एक ही होवे, गल समझ लो, बेटी सिर्फ इक्को ही होवे उहदी औलाद विचो, ते फिर बेटी नूं अद्धी विरासत बेटी नूं मिल जाएगी, अद्धी फिर दूसरे वारसां जिहड़े नेड़े नेड़े लगदे उहनां वारसां च तकसीम हो जाएगी, ठीक है। हां इह है विरासत दा मसला। हुण मुस्लिम शरीफ दी इक होर हदीस आ गई, यानी इहदे अंदर 3313 नंबर, यानी हदीस अंदर अन आयशा रजी अल्लाह तआला, हजरत आयशा फरमादियां ने इधर वेखो, बाप भी बेमिसाल और जनाब बेटी भी बेमिसाल, सुनते चले जाना, इधर वेख दिया चला जाना, हजरत आयशा फरमादियां ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत अंदर आप बीमार हो गए, मेरे नबी ने अपनिया सारिया बीविया कटिया फरमाया, मेरे नबी फरमा दे ने मैं मूना दे घर बारी, मेरे नबी फरमा दे ने मेरी ओ बीवियो अगर मैनू तुसी इजाजत देवो मैं अपनी बीमारी वाले आयाम ऐशा दे हुजरे अंदर गुजार लवा। हजरत ऐशा फरमा दिया ने मेरे नबी मेरे घर दे अंदर, इधरों जनाब मेरे नबी दिया सारिया बीविया मौजूद ने, कोई बीवी गैर हाजर नहीं, अल्लाह दे नबी नूं तकलीफ दी जा रही है। इधरों सय्यदा फातिमा बेटी तशरीफ ले आईया, अल्लाह दे नबी वे करके फरमांदे ने मरहबन बिबनती, मेरे नबी उठन जोगे नहीं, अगर मेरे नबी की सेहत होंगी हजूर उठ के अगे चल के अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमाया करते सन, सुभान अल्लाह। हुण मेरे नबी ने इस्तकबाल अंदर लफज बोले, आपने फरमाया मेरी बेटी तशरीफ रखो, आपने सज्जे पासे या खब्बे पासे, हदीस दे अल्फाज ने सज्जे या खब्बे पासे अपनी बेटी नूं बिठाया, और बिठाण दे बाद मेरे नबी सल्लल्लाह सल्लम दी बेटी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बोसा हजूर नूं बोसा दे रहियां ने, झुक गईयां ते अल्लाह दे नबी ने उत्थे ही टिकणे दा इशारा फरमाया, झुकियां रहियां, अल्लाह दे नबी दे सीने नाल गलखड़ी पाई हुई, कलेजे नाल लगियां हुईयां, अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात आकी, सय्यदा फातिमा रोन लग गईयां, और रोइयां मी फबकत बुकान शदीदा, रोइयां ते
ज्यादा रोइया शदीद कहते हैं ना, हाँ जी बहुत ज्यादा रोइया ने। ए बाद दोबारा मेरे नबी ने इशारा फरमाया, दोबारा गल की सैयदा मुस्करा पईया हस पईया, प्यारे नबी दुनिया तो तशरीफ लै गए। हजरत ऐशा फरमादिया ने बेटी वो केड़ी गल सी तेरे रोन दी तेरे हसन दी वजह की सी। हजरत सय्यदा फातिमा फरमादियां ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जदों मैं करीब होईयां, पहली मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया बेटी अगे ते जिब्रील रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर एक बारी कुरान पाक दा दौर फरमाया कर दे सन। इस मर्तबा जिब्रील ने दो मर्तबा कुरान पाक दा दौर फरमाया, एदा मतलब है वक्त अजल करीब आ गया है। फत्तकिल्ला वस्बिरी, बेटी अल्लाह दी तर अल्लाह दा तकवा अख्तियार करना, यानी अल्लाह कोलो डर के जिंदगी गुजारी। बेटी सबर करी सबर करी। और इस बात ते हजरत फातिमा फरमा दिया ने मैं मेनू मेरे नबी बात कर रहे ने, फइन्नहु निमत सलफ वना लकी, बेटी मैं तेरा बेहतर अगे जान वाला, बेहतर तेरा अगे जान वाला मैं तेरे वास्ते साबित होवांगा। और जनाब अल्लाहु अकबर, हजरत फातिमा फरमा दिया ने अम्मी मैं रोई, मैनू रोना आ गया जिवें तू आप वेख्या, जिवें तू अम्मी वेख्या मैनू रोना इस तरह आ गया। अच्छा मुस्कराई क्यों? अल्लाह दे नबी ने दोबारा फरमाया बेटी अमतर दईना अंतकूनी सय्यदता सय्यदता निसाइल मुमिनीन। बेटी क्या तू इस बात ते राजी नहीं है के तू जन्नत दे अंदर मोमिना दी मोमिन औरतां दी सरदार होवे? ओह तू सरदार बन जाए मोमिन औरतां दी, क्या बेटी इस बात ते तू राजी नहीं है? सैयदा फातिमा अर्ज कर दिए ने अम्मी जी फिर मैनू हंसी आ गया, मैं खुश होके हस पई जिवें तू हसदिया मैनू वेख्या। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा दा वजीफा सुनिया ना, मुख्तसर बात सैयदा फातिमा अर्ज कर दिया नियम अल्लाह दे प्यारे नबी दी खिदमत अंदर आदर होके, अबू जी वेखो मेरे हत्थां ते छाले पै गए, क्यों जी चक्की पी पी के ना, मैनू को गुलाम ते लौंडी दे दियो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बेटी मैं तेनू गुलामा ते लौंडियां नालों वध शह देवां जी अबू जी दियो। फरमाया बेटी रात नू सौण तो पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, ते अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़िया कर, ये गुलामा ते लौंडियां नालों वध बेहतर है। अम्मी फरमादियां ने बस थकावट हो जानी, चूर हो जाना, जिले डिगना यह वजीफा पढ़ती सा मेरिया थकावटा ही उतर जाती, लौंडियां दी लोड जरूरत खत्म हो गई। हजरत ऐशा फरमा दी, ये भी बुखारी शरीफ दी हदीस है, हजरत ऐशा फरमा दी एक औरत मेरे कोलो भीख मंगण वाली आई, मेरे घर च इको खजूर नजर आई, मैं ले आके नू दे दिती, इन्हें दो हिस्से कीते उनू फाड़िया, अद्धा एक बच्ची दे मुंह विच पा छड़िया, अद्धा दूसरी बच्ची दे मुंह विच पा छड़िया, औरत चली गई। अल्लाह दे नबी तशरीफ लिया, जाहिर बात है प्यारे नबी ने पूछिया ती हजरत ऐशा दसिया, अफसुरता वेखिया हजरत ऐशा, मेरे नबी ने पूछिया ती हजरत ऐशा दसिया, मेरे नबी फरमान लगे के जिस बंदे ने बच्ची दी बच्चियां दी परवरिश अच्छी की दिए, अच्छा सलूक कीता है उन्हें ना, उन्हें नाल ओ बच्चियां बेटियां कुन्ना लहू सितरम मिनन्ना। ओ बच्चियां जहन्नम दी आग तो एदे वास्ते ढाल बन जान। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।